बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो 11th क्लास, 11वीं क्लास या फर्स्ट ईयर की क्लास के जो इंटरमीडिएट के पेपर हो रहे हैं 28 को, 28 को कल आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसके लिए ये गेस्ट अपलोड कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये 100% गेस्ट होगा इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। और ये लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर और गोजरांवाला, यानी ये तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए गेस है। नहायत ही अहम गेस होगा इंशाल्लाह, थोड़ा डेफिनेटली लेंथी तो होगा लेकिन गेस 100% होगा इंशाल्लाह। जनाब, बड़ी मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाई है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर और पैराग्राफ डिस्कस करूँगा, फिर इसी तरह आपके स्टैंडा, पोएम्स, हर चीज़ बारी बारी करते जाएँगे हम। सबसे पहले बटन बटन यूनिट का जो आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने क्वेश्चन भी गिवन है। अब वीडियो इतनी लेंथी ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने व्यू है। उसके बाद जनाब पैराग्राफ्स की बात करते हैं, तो इसी यूनिट के जो पैराग्राफ हैं, दे वेंट इन टू द लिविंग रूम से लेकर विल रिसीव द पेमेंट ऑफ $50,000, पेज नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो पेज नंबर 5, 6 पे है, फिर थर्ड पैराग्राफ 6 पेज पे, और फोर्थ भी पेज नंबर 6 से है। और फर्स्ट यूनिट में से पैराग्राफ आने के चांसेस अबाउट 70% होते हैं, साथ साथ बात करता जाऊंगा, यानी अहम है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, क्लियरिंग इन द स्काई। इसमें क्वेश्चन आंसर जो आपकी एक्सरसाइज के हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स की हम बात करते हैं, तो ये आपके पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं पेज नंबर 11, 12 और 12 में, और 13 पेज 4 पैराग्राफ्स मैंने दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 50% ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे यूनिट नंबर 3 है जनाब, ये क्वेश्चन आंसर्स 1, 3, 4, 7 एंड 8 क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज। और अगर इसके ट्रांसलेशन पैराग्राफ की बात करें तो 2 पैराग्राफ्स हैं ये पेज नंबर 18 और 19 पे, ये भी अबाउट 30% चांसेस होते हैं इस यूनिट में से भी आने के। और यूनिट नंबर 4, थैंक यू मैम की बात करते हैं जनाब, क्वेश्चन आंसर्स 1, 2, 3, 5, 6 एंड 10 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर इसमें से। अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर तो लाजमी एक तो आता ही जाएगा, याद रखिएगा, इन हर यूनिट में से जो बात कर रहा हूँ इन्हीं में से एक एक क्वेश्चन आंसर आता जाएगा, हर यूनिट में से एक एक, क्योंकि आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और 9 गिवन होते हैं, तो 9 हर यूनिट में से एक एक लाजमी आता है, याद रखिएगा, इन्हीं में से इंशाल्लाह एक एक आएगा। ट्रांसलेशन पैराग्राफ की बात करते हैं, तो ये आपके सामने थैंक यू मैम में से ये 4 पैराग्राफ्स हैं, ये भी 60% चांसेस इसमें से आने के हैं जनाब, यानी ये भी मच इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। और उसके बाद हम चढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की जानेब, पीस ऑफ स्ट्रिंग, क्वेश्चन आंसर्स है जी 3, 4, 5 एंड 6 फ्रॉम एक्सरसाइज, और ट्रांसलेशन पैसेज हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पैसेज मैंने दिए हैं, ये पेज नंबर भी आगे गिवन है, और ये भी तकरीबन 40% चांसेस हैं इनमें से कोई पैराग्राफ आ जाएगा। आगे द रिवॉर्ड 6 यूनिट है जनाब, ये क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 9 एंड 10 फ्रॉम एक्सरसाइज, और फिर ये ट्रांसलेशन पैसेज इसमें से नहीं आएगा, इंशाल्लाह नहीं आएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, अच्छा ये सॉरी जी गलती जी, 7 यूनिट है जी, द यूज़ ऑफ फोर्स की बात हम करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर ये आपके सामने गिवन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7 एंड 9, और एक क्वेश्चन आपके नीचे जो लेंथी क्वेश्चन है उनमें से मैंने दिया है, ये भी 12 पेपर्स में आया है। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, और इसके अलावा बोर्ड के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं वहाँ से मोस्टली जो बार बार आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, इसके पैराग्राफ की बात अगर हम करें तो यूज़ ऑफ फोर्स में से ये 2 पैराग्राफ्स हैं, पेज नंबर 46 और 44 पे देख लीजिएगा आप। और उसके बाद 8 यूनिट गुलिस्तान सादी अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6, और ट्रांसलेशन पैराग्राफ इसके नहायत ही अहम हैं, अगर मैं बात करूँ तो 100% मैं कह सकता हूँ इसमें से पैरा आने के चांसेज हैं, मॉर्निंग या इवनिंग में एक बार एक टाइम में लाजमी आ सकता है, लिहाजा ये पैराग्राफ्स नहायत अहम है, तीनों याद रखिएगा, पेज नंबर 51, 51 और 52 पे 3 पैराग्राफ्स, ये यूनिट नहायत अहम है पैराग्राफ पैसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है जी यूनिट नंबर 9, द फुलिश क्वेक,
क्वेश्चन है जी 2, 6, 8 एंड 10, और पैराग्राफ इसमें से कोई नहीं आएगा। 10 यूनिट की बात करें तो अमाइड अटैक ऑफ लोकस्टस की, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 9 एंड 10, और पैराग्राफ इसमें से ये 2 आए हुए हैं, ये भी अबाउट 40% चांसेस हैं आने के। 11 यूनिट आई हैव अ ड्रीम में से ये आपके सामने जनाब क्वेश्चन हैं सारे, और नहायत अहम पैराग्राफ, ये भी 90% चांसेस हैं कि इसमें से भी पैराग्राफ आ सकता है। यानी ये दो जो 100% और 90 और फर्स्ट यूनिट नहायत अहम, इनमें से लाजमी पेपर में आ जाता होता है एक ना एक टाइम। तो ये पैराग्राफ्स जनाब आपके सामने गिवन, पैसेज इन टू इंग्लिश वाले, सॉरी उर्दू वाले 15 नंबर के। उसके बाद 12 यूनिट की बात करें तो हम ये क्वेश्चन हैं आपके सामने जनाब, और इसके बाद पैराग्राफ की बात करें तो ये आपके सामने गिवन है, और अगर उसके बाद हम बात करें जनाब 13 यूनिट की, गॉड बी प्रेज्ड, तो ये भी आपके सामने जनाब, ये क्वेश्चन आंसर्स और ट्रांसलेशन पैराग्राफ इसमें से कभी नहीं आया और इंशाल्लाह नहीं आएगा। 14 यूनिट ओवरकोट की बात करें तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हैं जनाब, और नो पैसेज इसमें से भी इंशाल्लाह नहीं आएगा। और 15 यूनिट की बात करें तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हैं और इसमें से भी पैराग्राफ नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम बुक 3 पे। सबसे पहले प्ले 1 हीट लाइटनिंग है, इसके क्वेश्चन आंसर याद रखिएगा जो आपके एक्सरसाइज में से हैं वो ए बी सी डी में दिए गए हैं, ये एच तक, ये तमाम आपने करने हैं, क्योंकि ये हर साल रिपीट हो रहे हैं और ये मोस्टली आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लिहाजा आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं जो आप मैंने आपके सामने दिए हैं। और इसके अलावा विजिट टू प्लैनेट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये बार हार रिपीटेड है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपका ये 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, 8 में से तो इन्हीं में से इंशाल्लाह आता जाएगा। और उसके बाद हम बात करें अगर तीसरा प्ले द ओसर एंड द पर्ल, इसमें से आपके पास क्वेश्चन बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने एक्सरसाइज वाले ही टच किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 34, 35, 36 एंड 39, ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड हैं और यही पेपर में इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद हम आते हैं जी पोएम्स की बात करते हैं। पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स में से आपके सामने ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं पहले, तो 1, 2, 3, 4 ये मुख्तलिफ पोएम्स में से हैं, आप खुद देख लीजिएगा तरतीब से मैंने लिखा, पहली पोएम, दूसरी पोएम, तीसरी, बहरहाल। और उसके बाद मैं जब आया 11th क्वेश्चन पे, तो 11th क्वेश्चन में याद रहिएगा ये पोएम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, 5 ये सारे करने हैं, ये बारह रिपीटेड हैं। पोएम नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह पोएम नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, पोएम नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, और 15 पोएम में से 2 और 3 दो क्वेश्चन, 16 में से ये 4, 18 में से 1, और पोएम नंबर 20 में से 4th क्वेश्चन। बस ये जनाब इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे। यहाँ पे स्टैंडजा की बात करें तो स्टैंडजा पोएम नंबर 1, 2, 3, 6 में से आ सकता है, मगर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे स्टैंडजे करने हैं, और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 20 में से भी आ सकता है। ये पोएम नंबर मैंने मेंशन किया है 1, 2, 3, 6, और 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं 9th पोएम में से और 10th पोएम में से। और उसके बाद हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट, ये इंग्लिश ए की बात हमने सारी की, अब हम आते हैं इंग्लिश बी की जानेब। इंग्लिश बी की जानेब ये जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, मैं वैसे एप्लीकेशंस करवाता हूँ तो मैं एप्लीकेशंस की बात करूँगा। एप्लीकेशन जो बारह रिपीटेड हैं, ये मैंने आपके सामने एक स्केच दिया, मैंने डायरी में लिखा हुआ है, माजरा से ये रफ़ लिखा था, बहरहाल टाइम बचाने के लिए मैंने वही तस्वीर लेके आपके साथ अपलोड कर दी। ये जनाब आपके पास एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर योर कॉलेज ऑफ योर कॉलेज फॉर फी कंसेशन, ये नहायत अहम एप्लीकेशन है, इसके मोस्टली चांसेस आने के हैं। ये 2010 में आई है, 8 के दोनों टाइम्स में आई है, 12 में आई है, 17 में आई है जनाब, और इसके अलावा ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप वाली 19 और 12 में आई हुई है, फॉर चेंज सब्जेक्ट भी 18 और 11 में आई हुई है। दूसरे नंबर पे ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ग्रांट ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे ये पहली मैंने बताया था आपको, और अब ये चौथे नंबर पर है, ये 2018 में, 14 में, 13 में, 11 में, 7 में, 6 में और 10 में, ये बारह हर साल आ रही है। और इसके अलावा रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी, ये भी 16-16 दोनों सालों में आई थी, सॉरी एक साल में दोनों टाइम में आई थी। तो ये पहली एप्लीकेशन 4 आपने लाजमी करनी है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये, और बाकी भी जिस जिस सालों में आई हैं मैंने आपके सामने जनाब पेश कर दी। तो ये पहली फोर एप्लीकेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, और बाकी एक एक दफ़ा साल में आई हुई हैं, ये भी आप लाजमी देख लीजिएगा। और इसके बाद हम अगर बात करें ये जनाब स्टोरीज़ की, तो स्टोरीज़ मैंने आपके सामने ये 2 पेजेस मेंशन किए हुए हैं। स्टोरीज़ हैं जनाब, सबसे पहले माइट इज़ राइट, नहायत अहम ये मॉडल जो है ये 1917, 1915 और 11 में आया हुआ है। काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड, ये भी 19 के दोनों टाइम्स में, 13 और 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं दोनों ही। नीचे ये आपके सामने 2 साल में ये आई है। फिर ग्रीड इज़ कर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डू गुड एंड हैव गुड, सॉरी डू गुड हैव गुड, ये 16 के दोनों, सॉरी 2018 में आई है, 16 में आई है, 15 और 6 में आई है। नहायत अहम स्टोरी है। पाँचवीं, पहली और दूसरी नहायत अहम, बार बार कह रहा हूँ, और फोर्थ भी याद रखिएगा। और बाकी आपके सामने ये गिवन है स्टोरीज़। फिर नाइन्थ पे आ जाओ, प्राइड हैथ अ फॉल, ये 12 रिपीटेड है। और नीचे लुक बिफोर यू लीप, ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अच्छी तरह कीजिएगा। और जनाब आखिरी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, 12वें नंबर पे इस पेज पे, ये भी 12 की आई हुई है, ये लाजमी कीजिएगा जनाब। और नेक्स्ट पेजेस पे भी आते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम, तो ये अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड इंपॉर्टेंट है, लाजमी करिएगा जनाब। और बाकी आपके सामने ये गिवन है, आप इसको देख सकते हो जनाब। बहरहाल जो मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो लाजमी कीजिएगा, वो आपका गेस है। मैंने आपके सामने तमाम शेयर की जो हर साल 12 आ रही हैं। उसके बाद हम आते हैं जी पेयर अवार्ड्स पे, ये भी मैंने कुछ इसी तरह से लिखे हुए हैं रफ मादरा से, मैंने अब इनको फाइनलाइज नहीं किया, मतलब खूबसूरत करके नहीं लिखा ना ही कंपोज किया। बहरहाल ये 2019 में जो पेयर अवार्ड्स आए थे ये सारे आपके सामने हैं, ये 19 के मॉर्निंग में आए थे, ये फिर 18 में आए हुए हैं। आप इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 12 रिपीटेड है देख लीजिएगा। बहरहाल ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आए हुए हैं, ये 18 के मॉर्निंग में। सिमिलरली ये जनाब 17 में आए हुए हैं, और फिर नेक्स्ट पेज में 16 ईयर के ये सारे आपके पेयर अवर्ड्स, और ये फिर 16 फर्स्ट टाइम, ये 15 सेकेंड टाइम, ये 15 फर्स्ट टाइम, और फिर 14 ये सामने जनाब आपके सेकेंड और फर्स्ट टाइम। तो ये 12 रिपीटेड हैं जो वही मैं आपके सामने यानी हर साल वाले दे रहा हूँ। तो ये 13 के, ये 12 के, और फिर ये नीचे 12, 11, 11 और 2010, ये 2009, 2009 और 8, 8 दोनों साल, और 7, 7 तक मैंने आपके साथ जनाब तमाम पेयर अवार्ड शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बहरहाल आप इनमें से मोस्ट रिपीटेड खुद देख लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपने लाजमी करने हैं जनाब। ये थे पेयर अवर्ड्स। अब आपके साथ जनाब कोई और मारूजी की जब हम बात करें, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, मैं अपने इसी वीडियो के लिंक में आपको, सॉरी वो नीचे लिंक आपको सेंड कर दूंगा, और वो लिंक आप लाजमी देखिएगा। वो वर्ब की एक्सरसाइजेज हैं, वो आप अगर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो 9, 10 में भी आपने पढ़ी हुई हैं, वैसे वही हैं, उन्हीं में से लास्ट 5 मार्क्स, ये एक आध नंबर तो आपका प्रोवर्ब में से आ जाता है, जैसे चैरिटी बिगेंस एट होम, इस तरह का वो लाजमी को प्रोवर्ब्स ले लीजिएगा 20-25, वो पढ़ लीजिएगा, और लास्ट 4 आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे। बाकी जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके सिनोनम्स हैं, जिस टीचर ने भी आपको यूनिट्स पढ़ाए हैं वो हर यूनिट में से आपको सिनोनम्स लिखवाते रहे होंगे, इंपॉर्टेंट वो आपके यूनिट्स में से आते हैं, कहीं एक्सरसाइज में से नहीं आते। और अगर हम बात करें नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो होते हैं आपके बुक में से ही, एक्सरसाइजेज में से आते हैं, तो हर यूनिट के बाद एक्सरसाइज है, वो आपने MCQs बने होते हैं, वो आपके लेक्चर ओरिएंटेड होते हैं, जो आप यूनिट पढ़ते हो उसमें से ही, यूनिट बेस से ही लिए जाते हैं, आसान होते हैं वो लाजमी आप हर यूनिट के एंड पे पढ़ लीजिएगा। उन्हीं में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो यू 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। बहरहाल जी नेक्स्ट आप अगर फीडबैक में कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको तमाम नोट्स इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के भी मिलेंगे, और फर्स्ट ईयर 9, 10 तमाम इंग्लिश के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तमाम पेपर मैंने भी मोस्टली अपलोड किए, वो भी आप देखिएगा, प्रैक्टिकल्स के, थ्योरीज़ के, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे जनाब। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इंग्लिश विद सर आसिफ लसन को जनाब दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपको तमाम मैदानों में कामयाबी से हमकिनार फरमाए, और इंशाल्लाह आपका पेपर 100%
अच्छा हो, आई होप सो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।